अनुराधा पौडवाल हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायिकी की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसकी आवाज के जादू के सामने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज का जादू भी फीका पड़ने लगा था एक वक्त। अनुराधा पौडवाल के बढ़ते कद से लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया था कि अब शायद लता मंगेशकर जी का युग समाप्ति के कगार पर जा पहुंचा है। और विडंबना देखिए साहब कि वही लोग अनुराधा जी को दूसरी लता के रूप में स्वीकार करने ही वाले थे कि अचानक अनुराधा पौडवाल के जीवन में ऐसा कुछ हुआ। कि जहां सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया तितर बितर हो गया। हिंदी सिनेमा की दूसरी लता सिनेमा के संगीत से अचानक गायब हो गई। अब ये अनुराधा पौडवाल के खिलाफ साजिश थी या फिर इसमें ईश्वर की मर्जी। बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। 70 के दशक से बिना किसी विधिवत प्रशिक्षण से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली अनुराधा पौडवाल को हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायन में सबसे पहले मौका दिया दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन साहब ने। फिल्म थी अभिमान। उसमें एक बैकग्राउंड में मैंने श्लोक गाया था एसडी बर्मन जी के लिए। बर्मन दादा के बाद फिर मैंने जयदेव जी के लिए गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी। फिल्मों में छोटे छोटे आलाप या छोटे छोटे गीत या फिर डमी गीत गाती रही अनुराधा पौडवाल उस समय के नामचीन गायिकाओं के लिए। और दोस्तों ऐसा करते करते लगभग अनुराधा पौडवाल ने अपने जीवन के 7 अमूल्य साल घनघोर संघर्ष किए। अनुराधा पौडवाल का ये लंबा संघर्ष खत्म हुआ जब सुभाष घई की फिल्म हीरो रिलीज हुई। फिल्म हीरो के सारे गाने सुपरहिट हुए और अनुराधा पौडवाल के द्वारा गाया वो गाना प्रेम कहानी का तू मेरा हीरो है। फिल्म की सफलता ने अनुराधा पौडवाल को रातों रात गायकी की दुनिया का स्टार सिंगर और एक स्थापित प्लेबैक सिंगर बना दिया। उसी समय अनुराधा पौडवाल की मुलाकात संगीत के बाजार का बादशाह कहे जाने वाले गुलशन कुमार से हुई, जिन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। और दोस्तों ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये मुलाकात हिंदी सिनेमा के संगीत के लिए बहुत खास मुलाकात थी, जिस मुलाकात ने हिंदी सिनेमा के संगीत के पूरे ढांचे को हिला दिया। क्या करते थे साजना, सुन हमसे दूर रहके। और संगीत की दुनिया में एक ऐसी शुरुआत की जहां हर तरफ सिर्फ अनुराधा ही अनुराधा थी। लहराती जाए अलबेलना अनुराधा पौडवाल के किस्मत का सितारा उस वक्त बुलंदियों पे पहुंच गया जब सुपर कैसेट इंडस्ट्री टी सीरीज से फिल्म आशिकी के गाने रिलीज किए गए। बेहतरीन गीत संगीत के जबरदस्त कामयाबी से फिल्म के नायक राहुल रॉय
और नायिका अनु अग्रवाल के साथ साथ गायिका अनुराधा पौडवाल भी हिंदी सिनेमा के आकाश पर एक ध्रुव तारे की तरह चमकने लगे। और दोस्तों, इस फिल्म के गीत के कामयाबी का आलम ये है कि ये गीत इतने सालों के बाद भी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। और दोस्तों, अनुराधा पौडवाल के इसी फिल्म के गायकी के लिए उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला। फिल्म आशिकी की सफलता के बाद हिंदी सिनेमा के संगीत में एक ऐसा भूचाल आया जहां हर निर्माता निर्देशक का सफर अनुराधा पौडवाल के दरवाजे पर आकर ही खत्म होता था। और उन्हें कुछ सफल निर्माताओं की फिल्में थी बाकी, तेरी बिना एक पल मुझे न रहना, मेरी जंग, मेरे हाथों के ख्यालों के बंटवारा, तुम्हारो कोड़ लागे, तुम्हारो कोड़ लागे, राम लखन, कहते हो सबसे मैं हूँ मन मोजी हो तो, बहार आने तक, आशिक का परने लाल बांध दूंगी, कुर्बान, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं गड़ियों नदियों किनारे, साजन, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, साथी, अरे दिल मुस्कुराया तो साथी, फूल और कांटे, तेजाब जैसे बड़े बजट की फिल्में शामिल थीं। और सही मायनों में माना जाए दोस्तों, तो वाकई अनुराधा पौडवाल के नाम का डंका हर तरफ बज रहा था। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वो दौर था जहां स्वर कोकिला लता मंगेशकर और वर्सटाइल सिंगर आशा भोसले की टूटी बोलती थी। और दोस्तों, दो दिग्गज प्रतिभाओं के नाक के नीचे अपनी प्रतिभा को साबित करना अनुराधा पौडवाल के लिए कोई आसान काम नहीं था। और दोस्तों, अनुराधा पौडवाल की गायकी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब मशहूर संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अनुराधा पौडवाल के गानों को सुना, तब उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी कि अब लता मंगेशकर के युग की समाप्ति होने ही वाली है। निर्माता निर्देशकों की दौड़ जो अब तक लता मंगेशकर और आशा भोसले की चौकट पे जाके खत्म होती थी, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। अब वो अनुराधा पौडवाल का दरवाजा खटखटाते नजर आने लगे। और दोस्तों, फिल्मी गलियारों से ये खबर आई कि आशा भोसले और लता मंगेशकर ने एक योजना बनाई। गले में सरस्वती, बुद्धि में चाणक्य। उन्होंने सारे संगीतकारों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपना फरमान सुना दिया कि अगर किसी फिल्म में अनुराधा पौडवाल गा रही हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। और दोस्तों, उसके बाद हिंदी सिनेमा के संगीत के क्षेत्र में एक बदलाव आया और वो बदलाव लता जी और आशा जी के पक्ष में था। बहुत सारे ऐसे निर्माता निर्देशकों ने अनुराधा पौडवाल के दरवाजे के सामने खड़े रहने के बजाय लता जी का दरवाजा खटखटाना बेहतर समझा। और इस तरह अनुराधा पौडवाल का कद जो लगातार बढ़ रहा था, वो कद एक जगह थमने लगा। लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल के बीच शीत युद्ध तब और थोड़ी गति पकड़ लिया जब अनुराधा पौडवाल ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि वो लता मंगेशकर जी से ज्यादा गाने गा चुकी है। उन्होंने इसी इंटरव्यू में लता मंगेशकर और आशा भोसले पर एक मोनोपोली का आरोप जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जब आप सफलता की ऊंचाई पर होते हैं, तब आप एक मतवाले हाथी की तरह होते हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको रौंद कर आगे निकल रहा है। अनुराधा पौडवाल का ये बेबाक अंदाज अनुराधा पौडवाल को बहुत भारी पड़ गया। और दोस्तों, उसके बाद यह विवाद थोड़ा और बढ़ गया जब अनुराधा पौडवाल के गाए गीतों को लता जी ने रीडब किया।
कि फिल्म नगीना में अनुराधा पौडवाल ने मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा गाना पहले गाया था, जिसे बाद में लता जी ने रीडब किया। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। लेकिन अनुराधा पौडवाल ने इस बात को नजरअंदाज किया। इस विवाद के बाद भी अनुराधा पौडवाल ने हार नहीं मानी। उसके बाद अनुराधा पौडवाल ने फिल्म दिल है की मानता नहीं बेटा फिल्मों में अपने बेहतरीन गाने के लिए एक बार फिर से अनुराधा पौडवाल ने लगातार 3 फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ सिंगर का पुरस्कार जीता। और दोस्तों, इस तरह अनुराधा पौडवाल एक बार फिर से अपना कद और बड़ा करने में सफल हो गईं। पहले तो लोग कहते थे, लेकिन अब लोगों को विश्वास होने लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब अनुराधा पौडवाल लता जी की जगह को रिप्लेस कर देंगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। अपने करियर की उड़ान भरते समय अनुराधा पौडवाल ने एक ऐसा फैसला किया जहां से सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया और तितर बितर होना शुरू हो गया। और दोस्तों, अनुराधा पौडवाल का वो फैसला ये था कि अब वो सिर्फ अगर गाएंगी तो म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के लिए ही गाना गाएंगी। और दोस्तों, अनुराधा पौडवाल का ये फैसला हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायन के लिए एक आत्मघाती फैसला साबित हुआ। इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ और वो हादसा ये था, अनुराधा पौडवाल के पति अरुण पौडवाल का निधन हो गया। अनुराधा पौडवाल के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अनुराधा पौडवाल के अब कंधों पर थी। पति की मौत के बाद अनुराधा पौडवाल ने अपना सारा ध्यान गायकी पर लगा दिया। उसके बाद अनुराधा पौडवाल की गायकी ने भक्ति की एक अलग ही अलख जगा दी। टी सीरीज और अनुराधा पौडवाल का संबंध ऐसा था जो हमेशा फिल्मी मैगजीनों में सुर्खियों में रहा। जब भी कोई बहुत ही बढ़िया संगीत तैयार होता था और वो टी सीरीज में जाता था तो बेहतर संगीत होने के बावजूद टी सीरीज उस संगीत में से किसी भी फीमेल सिंगर की आवाज को रिप्लेस कर अनुराधा पौडवाल की आवाज में रीडब करती थी। तब वो संगीत कैसेट के रूप में बाजार में उपलब्ध होता था। और इस घटना की सबसे बड़ी शिकार हुई अलका याग्निक, जिन्होंने आमिर खान अभिनीत फिल्म दिल के सारे गाने अलका याग्निक ने गाए थे। लेकिन फिल्म का संगीत कहीं बिक नहीं रहा था। फिल्म का संगीत गिरते पड़ते टी सीरीज पहुंचा। टी सीरीज को फिल्म का संगीत पसंद आया, लेकिन एक शर्त पर कि इस फिल्म के गानों से फीमेल आवाज को हटाना पड़ेगा और अनुराधा पौडवाल की आवाज में डब करना पड़ेगा। अलका याग्निक की आवाज को रिप्लेस किया गया अनुराधा पौडवाल की आवाज से। अपने इस नाराजगी का इजहार किया अलका याग्निक ने एक इंटरव्यू में कि ये अनुराधा पौडवाल गलत कर रही हैं। अगर मेरे सामने ऐसा ऑफर आए तो मैं इस ऑफर को कभी स्वीकार नहीं करूंगी कि एक सिंगर ने अगर गाया है तो मैं कौन होती हूं उसकी आवाज को रिप्लेस करने वाली। इसी बीच अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार की नजदीकियों की खबर आने लगी। लेकिन दोस्तों, इन चर्चाओं का कोई ठोस आधार नहीं था। अनुराधा पौडवाल ने भी समय समय पर मीडिया में आकर इन आरोपों को एक सिरे से खारिज करती चली गईं। अनुराधा पौडवाल को दूसरा सदमा तब लगा जब अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार की दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। टी सीरीज के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि अब टी सीरीज का क्या होगा। और दोस्तों, ये वही टी सीरीज है जिसके लिए अनुराधा पौडवाल ने अपने करियर के उड़ान पर फैसला किया था कि वो जब भी गाएंगी तो टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। और गुलशन कुमार के निर्मम हत्या के बाद उसी टी सीरीज के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। फिर उसके बाद तो उन्होंने गायकी से लगभग दूरी ही बना ली। आखिरी बार उन्होंने फिल्म जाने होगा क्या में गाने गाए थे। इन सब के बाद भी अनुराधा पौडवाल के गीत आज लगभग सबके जुबान पर है। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल के जीवन पर नजर डालते हैं तो प्रथम दृष्टया एक ही चीज दिखती है कि अनुराधा पौडवाल ने जिंदगी में जितना पाया है उससे कहीं ज्यादा खोया है।
हिंदी सिनेमा अनुराधा पौडवाल के संगीत में दिए योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। हम अनुराधा पौडवाल के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी फरमाइश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।